कभी पता चलता है कि बीच में आ रहा है, कभी पता चलता है कि बीच में शायद ना आए, कभी अच्छी खबरें आती हैं, कभी खराब खबरें आती हैं। स्ट्रीमर्स आए दिन बीजूमाई के बारे में बातें ही करते रहते हैं, बट इसी बीच अब एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बीजूमाई को लेके। पिछली बार जब पबजी बैन हुआ था तब भी अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या पबजी एक नए पब्लिशर के साथ वापस आएगा, और इस बार भी बीजूमाई के बारे में यही बातें हो रही हैं। क्या बीजूमाई अब एक नए पब्लिशर के साथ वापस आएगा? इसी बारे में बात करते हुए काफी सारे मीडिया हाउसेस और स्ट्रीमर्स अपनी अटकलें अपने राय प्रस्तुत करते हैं। अभी अगर गेम वालों ने जीरो आइडिया कुछ दे नहीं रखा, हम लोग क्रिएटर्स को भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कुछ, तो अभी किसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा? रिसेंट लैंड पे गए थे ना बालों का, रूमर्स थे कि नहीं पता क्या, तो उन्होंने ये बताया कि बीजूमाई वापस आ रहा है अगले साल अराउंड फेब। उसका जो पब्लिशर रहेगा वो चेंज रहेगा, और उसका पब्लिशर जो है वो इंडिया से बड़ी कंपनी में से एक है, जियो या तो एयरटेल। एग्जैक्टली, अब वो रूमर भी हो सकता है। मैं तो भाई कुछ होप्स नहीं रख रहा हूँ भाई, एक्सपेक्टेशंस रहता है, डिसअपॉइंटमेंट रहती है। तो अब हम सब भी क्राफ्टन का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो सामने से आएंगे और बताएंगे कि क्या चल रहा है बीजूमाई के बारे में, और बीजूमाई कब वापस आएगा और किस स्वरूप में वापस आएगा। तो इंतजार करते रहिए।